नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। धौलपुर में पानी की किल्लत, 3 किलोमीटर दूर से खारा पानी लाते हैं ग्रामीण, कुएं से पानी खींचते हुए कई लोगों की हुई मौत। पानी की हर एक बूंद मायने रखती है, कहावत है ऐसी। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित भैंसेना गांव के ग्रामीणों के लिए 100% सच साबित हो रही है। पिछले 50 साल से ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए भटक रहे हैं। करीब 100 फीट गहराई के खारे पानी के 2 कुएं ग्रामीणों की प्यास बुझा रहे हैं। धौलपुर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित भैंसेना गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में करीब 100 फीट गहरे 2 कुएं हैं। दोनों कुएं में सुबह शाम लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे शामिल रहते हैं। गांव के बाहर करीब 3 किलोमीटर दूर से पानी को भरकर लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के अभाव के कारण ग्रामीणों का जीवन नरक जैसा बन गया है। ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए गांव के 2 कुएं नाकाफी हैं। दोनों ही कुओं का पानी खारा है, इसलिए वह पीने लायक नहीं होता है। सुबह से शाम तक पानी के लिए ग्रामीणों को जद्दोजहद करना पड़ता है। ग्रामीणों का नेताओं पर आरोप, देते हैं झूठा आश्वासन। पुष्पा देवी ने बताया है कि पेयजल समस्या के बारे में कई बार स्थानीय विधायक और सांसद से भी शिकायत की गई है। चुनाव में वे वोट मांगने आते हैं, उस दौरान उन्हें समस्या बताओ तो वे सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद से ही वे समस्या के बारे में सोचते भी नहीं है, जिस वजह से हम लोगों का प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से भरोसा हट चुका है। हाल ही में ग्रामीणों ने सरपंच के साथ कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को भी शिकायत पत्र दिया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जोधाना अब तक न्यूज़।